नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है, यहाँ पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग जो है, आप लोग ऑफिसर सेट पे आने के बाद इसमें जो है, आप लोग पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, ये जो आपकी वैकेंसी निकाली गई है, तो ये जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका आपका जैसे कि 11/2/23 आपका स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो है आपका लास्ट डेट है सबमिशन करने का, वो आपका 25/2/2023 है। और इसका जो एग्ज़ाम डेट आपका होगा, तो आपको जो है बाद में आपको ये कर दिया जाएगा एंटीमेट इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, बात करते हैं हम लोग वैकेंसी की। तो इसमें देखिए, आपका जो है इसमें दो तरीके का, एक आपका एक क्रेडिट ऑफिसर जो कि जनरल बैंकिंग स्ट्रीम के लिए है, तो इसमें टोटल जो आपका 350 वैकेंसी है। और वहीं पर दूसरा आपका है IT ऑफिसर जो कि स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए है, तो इसमें जो है आपका यहाँ पे 150 वैकेंसी है। तो टोटल आपका यहाँ पे 500 वैकेंसी है दोनों को मिला के। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो कैंडिडेट जैसे कि उनका टेक्निकल डिग्री है, तो वो जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर में IT ऑफिसर जो आपका दिया हुआ है, ये इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पे जो है नीचे देख सकते हो आप लोग, जैसे कि इसमें आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, दोनों की बात करते हैं हम लोग, तो पहला आपका जैसे कि क्रेडिट ऑफिसर का है, तो इसमें एज जो है आपका, तो इसमें 20 से लेकर 29 साल तक है आपका, इसके लिए भी 20 से 29 साल है। और देखिए, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, तो इसके लिए डिग्री यानी कि जो ग्रेजुएशन आपका है कोई भी डिसिप्लिन से हो, तो है जो है आप इसमें अप्लाई इसमें आप लोग कर सकते हो। और इसके साथ में आपके पास वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, ये चीज़ जो है आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका जैसे कि ऑब्टेंड होना चाहिए, उसके अंदर में लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये तो आपका देखिए, इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, आपका कोई एक डिग्री होना चाहिए सिर्फ इसमें। और दूसरा आपका इसमें जो IT ऑफिसर्स का है, तो ये देखिए, इसके लिए जो इन्होंने मांगा हुआ है 4 ईयर का इंजीनियरिंग या फिर जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आपने अगर अपना डिग्री किया होगा, तो इसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है, तो इसमें देखिए कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर अप्लीकेशन का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। तो ये सारा अगर आपके पास डिग्री है, मतलब कि ये टेक्निकल डिग्री आपका अगर इसमें है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या तो और करके दिया हुआ है कि अगर ग्रेजुएट डिग्री आपका जैसे किसी भी डिसिप्लिन में है, साथ में पोस्ट डिग्री आपका अगर इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इसके साथ में CS और IT में, तो भी जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और या तो फिर करके दिया हुआ है कि अगर आपका ग्रेजुएट डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, और साथ में आपने जो है ये जो दिया आपका DOE ACCB लेवल का, ये अगर आपके पास जैसे पास आपने किया हो, तो भी जो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, दो तरीके का है, जैसे टेक्निकल डिग्री उनके लिए भी, और जो ग्रेजुएट डिग्री है उनके भी, दोनों आपका जो है अप्लाई आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। और एज आपका जो है इसमें दिया हुआ है आपका 20 से लेके आपका इसमें जो है दिया हुआ 29 ईयर्स तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बाकी देखिए, एज में रिलैक्सेशन आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा ही, जो SK OBC कैंडिडेट है उनको, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको इसमें जो है मिलेगा ही बेनिफिट इसका। और नीचे देखिए आप लोग जो, और इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो सारा चीज़ उन्होंने मैंसन करके इसके अंदर में दिया हुआ है। देखिए, बात करते हैं हम लोग सेलेक्शन प्रोसीजर के, तो देखिए जो सेलेक्शन प्रोसीजर है आपका, तो ये ऑनलाइन टेस्ट, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू। तो ये जो है आपके प्रोसेस है। यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, तो देखिए जो स्ट्रक्चर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज से जो है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 आपका आएगा, और जो मार्क्स आपका 40 मार्क्स का, इसके लिए 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंडिविजुअली सारा सेक्शन है। इसके अलावा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से जो है आपका इसमें 45 क्वेश्चन आपके आएंगे, 60 मार्क्स का और 60 मिनट्स का रहने वाला है। इसके बाद देखिए जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस जो आपका 40 क्वेश्चन आएगा आपका, 40 मार्क्स के, 35 ड्यूरेशन रहेगा आपका, मिनट्स का ड्यूरेशन रहने वाला है। और डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा, और 45 मिनट्स का ड्यूरेशन का आपका रहने वाला है। और फिर इसके बाद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका होगा, लेटर राइटिंग और ऐसे वाला, तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपका रहेगा 25 मार्क्स के, इसमें 30 मिनट्स आपको जो है टाइम दिए जाएंगे। तो ये तो आपका जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न आपका हो गया है यहाँ पे, जो कि इंडिविजुअली सेक्शन है आपका, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको एक बार देख लेना, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका रहेगा। फिर देखिए, बात आपका आएगा अगला सेशन जो रहेगा, मतलब इसके अंदर वो इंटरव्यू GD का आपका रहने वाला है। तो देखिए जो आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा आपका, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे उनका रहेगा,
और टोटल मार्क्स जो अलॉट रहेगा आपका वो 60 मार्क्स का रहेगा इंटरव्यू का। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% है, जनरल डब्ल्यू एस का 35% है, एस टी एस सी ओ बी सी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए। और ग्रुप डिस्कशन देखिए फिर आपका होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट में जो कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, और इसके बाद जो टोटल मार्क्स आपका अलॉट किया ग्रुप डिस्कशन वो 40 मार्क्स का रहने वाला है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 40% है और 35% है एस टी एस सी ओ बी सी के लिए। और फाइनल सेलेक्शन जो आपका रहेगा कैंडिडेट का, तो आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, पर्सनल इंटरव्यू में और साथ में ग्रुप डिस्कशन में, तो ये जो है आपका तीनों को मिला के आपका मेरिट लिस्ट तैयार आपका किया जाएगा। और जो फाइनल लिस्ट आपका रहेगा तो ये प्रिपेयर किया जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे रिस्पेक्टिव कैटेगरी इस तरीके से, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे किया जाएगा। तो तीनों ही जो है आपका इम्पोर्टेंट है, तीनों को जोड़ के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार यहाँ पे किया जाएगा। आप यहाँ पे जो है और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो इसके रिगार्डिंग, इन्होंने मेंशन करके आपका यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर देखिए आपको जो है ये सारे जगह पे आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख लेना इसी के अकॉर्डिंग जो फॉर्म फिल करना, आप लोग अपने सेंटर भी ले सकते हो आप लोग। और देखिए दोस्तों जब आप लोग इंटरव्यू के लिए आप लोग जब जाओगे तो आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है डॉक्यूमेंट का लिस्ट, तो आप लोग जो है इसको देख लेना, ये जो है आप लोग ले जाने होंगे तो ही जो है आपको वहाँ पे अपीयर होने के लिए दिया जाएगा। और भी देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, आप लोग इसमें से देख लेना। और देखिए बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन जो आपका दिया हुआ है डेट अप्लाई करने के लिए, तो आपका 11/2/2023 से लेकर 25/2/2023 तक आप लोग इसमें भर सकते हो इसके अंदर में। और नीचे देखिए यहाँ पे जो है आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका जनरल डब्ल्यू एस ओ बी सी कैंडिडेट के लिए 850 रुपये हैं, और बाकी देखिए जो है एस टी एस सी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए उनके लिए जो है 175 रुपीज़ है। तो ये जो है आपको ओवरऑल इसमें दिया हुआ है। और बाकी देखिए एप्लीकेशन को आपको ऑनलाइन ही मोड से जो है आपको अप्लाई करनी है इसको, और भी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है आप लोग पूरा कंप्लीट देख लेना। ये जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी जो है आपको ये सारे जो है मिल जाएंगे। तो देखिए दोस्तों जो भी इसके अंदर में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे वो हमने आपको बता दिया है, और भी कोई डाउट आपका रहता है आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई आपको हम जरूर देंगे।